जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। स्वागत है दोस्तों भारत के सबसे नंबर वन जियो न्यूज चैनल पे। दोस्तों जिसने जिसने 15 अगस्त को जियो फोन 3 की बुकिंग की है, अब से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने बुकिंग नहीं की है तो आप अभी भी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टेटस चेक करना है और कहां तक आपका स्मार्टफोन पहुंच चुका है। दोस्तों अभी भी वो ऑफर समाप्त नहीं हुआ, अगर आप चाहें तो अभी अभी तुरंत आप जियो फोन 3 की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जिसने जिसने जियो फोन 3 की बुकिंग कर लिया है वो अपना स्टेटस चेक कर पता लगा सकते हैं कहां तक जियो फोन 3 पहुंचा है और उनके घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों जियो फोन 3 को लेने के लिए सबसे पहले आपको बुकिंग करना बिल्कुल जरूरी है और यह बुकिंग बिल्कुल फ्री है। दोस्तों यह ऑफर 15 अगस्त को चालू किया गया है। अगर आपने अभी तक जियो फोन 3 की बुकिंग नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये रहा आपके सामने जियो फोन 5G जो कि आपको केवल और केवल 501 रुपए में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल और केवल 501 रुपए में यह स्मार्टफोन मिलेगा, वो भी बुकिंग के समय एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। यह स्मार्टफोन ब्लू कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर और एक और स्पेशल कलर ऑरेंज कलर में मौजूद है, जिसे आप तुरंत बुक कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला, अगर आप जियो फोन 3 की बुकिंग नहीं की है और फिर अगर आप जियो फोन 3 की बुकिंग कर चुके हैं तो दोनों लोग के लिए। जो लोग जियो फोन 3 की बुकिंग कर चुके हैं वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने जियो फोन 3 की बुकिंग नहीं किया दोस्तों, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख केवल 4 दिन के लिए यह बुकिंग स्टार्ट की गई, जहां पर केवल और केवल फ्री बुकिंग करके केवल और केवल आप 501 रुपए में यह स्मार्टफोन अपने घर मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बुकिंग करके दिखाते हैं कैसे 500 रुपए में एक 4G स्मार्टफोन मोदी जी और अंबानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड का होना जरूरी है। काफी लोग कल बुक कर चुके हैं, अगर आपके अगल बगल कोई बुक किया है तो आप उससे जाकर पूछ सकते हैं कैसे बुक करना है। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको पूरी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से यह स्मार्टफोन बुकिंग होने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जियो फोन 3 दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जिसकी 15 लाख कल 15 अगस्त को बुकिंग हो चुकी है और उसके बाद से बुकिंग क्लोज कर दिया गया था, लेकिन फाइनली अब वो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैंने अपने कंप्यूटर पर बुकिंग को ओपन करने के लिए लगा दिया है। उसके बाद से मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इस स्मार्टफोन की बुकिंग कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन किसको किसको मिलने वाला है। दोस्तों यह स्मार्टफोन उन्हीं को मिलेगा जो इसके बारे में अच्छी तरीके से जान रहे हैं और इसको पूरी तरीके से बुक करने आता है। अगर आप बुकिंग में मिस्टेक करते हैं तो यह स्मार्टफोन जो आपको केवल और केवल 501 रुपए में मिल रहा है, हरगिज नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप पेन और पेपर का यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपना आधार कार्ड नंबर और अपना कोड उसमें डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से शुरू करना है। उससे पहले मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आया था, क्या आप इस स्मार्टफोन में पबजी खेल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जियो फोन 3 प्रो नेक्स्ट में आप पबजी खेल सकते हैं, जबकि जियो फोन 3 नेक्स्ट में आप पबजी नहीं खेल सकते हैं। खेलने को तो दोनों स्मार्ट में खेल सकते हैं, लेकिन जियो फोन 3 नेक्स्ट थोड़ा सा लो प्रोसेसर का स्मार्टफोन है जिसे घर पे यूज करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों बुकिंग करते हैं। आप इसको बुकिंग करने के बाद पूरा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी को भी ऑनलाइन 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। हमारे और हमारे टीम की तरफ से आपके पास कोई कॉल और मैसेज नहीं जाता है। तो अगर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जियो फोन 3 बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, जो कि केवल बच्चों के लिए फ्री है। अगर आपका एज ज़्यादा है या फिर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको इस स्मार्टफोन के लिए 4,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो आइए पूरी डिटेल में, यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे इस फॉर्म को आपको फिल करके जियो फोन 3 को मंगा सकते हैं और जिसने ऑर्डर कर दिया स्टेटस कैसे चेक करें। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म हो चुका है ओपन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जियो फोन मानसून धमाका ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर, और सेकंड पे यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्सचेंज ऑफर। अगर आपके पास जियो फोन 1 है या फिर जियो फोन 2 है तो आप एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जहाँ पर लाभ उठाने के बाद आपको फोन की प्राइस केवल 501 रुपये रह जाएगी। लेकिन विदाउट एक्सचेंज ऑफर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी 501 रुपये है, लेकिन अगर आपका एज ज़्यादा है, स्टूडेंट नहीं है, तो आपको इसका 4,000 रुपये तक चुकता करना पड़ सकता है। ऊपर आपको नाम भरना है और यहाँ पर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप ईमेल आईडी है
तो आप भरिए, नहीं तो मत भरिए। लास्ट नाम भरने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ लास्ट नेम, उसके बाद से आपको पिन कोड डालना है। दोस्तों यहाँ पर पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने एरिया का पिन कोड आप जरूर पता करके यहाँ पर डालिए। उसके बाद से फाइंड नियरेस्ट स्टोर, जहाँ पर ये पता चलेगा कि आप निकटतम स्टोर से जियो फोन 3 आपके निकटतम स्टोर पर मौजूद है या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बड़े बड़े शहर जैसे बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में जियो फोन 3 आ चुका है। आपका भी यहाँ पर पिन कोड डालकर चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर निकटतम स्टोर दिखाता तो आप वहाँ से डायरेक्ट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के जियो फोन 3 ले सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।